नमस्कार भाइयों, तो कैसे हैं आप? सब आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे भाई, बढ़िया होंगे। तो भाइयों, मैं बहुत दिन बाद आया हूँ, और जिस कुत्ते के लिए, जिस जांट के बाल के लिए, जिस सुअर की औलाद के लिए, जिस गीदड़ के बच्चे के लिए आया हूँ, वो उसकी शक्ल आप देखो दिख रही है। पहले भी बहुत बार नाम बता चुका हूँ, हैंडसम भी जाने जाने क्या क्या कुत्ते की औलाद है। तो भाइयों, मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, मुझे बहुत दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि सुअर के बच्चे जो ये पाकिस्तानी है, और भी हैं दो चार, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा भौंक रहा है, कुत्तों की तरह भौंक रहा है। कुछ मैं बताना चाहता हूँ मसला क्या है। इसने तीन चार वीडियोस पे बना दिए हैं। मसला ये है कि कुछ यहाँ पे मॉब लिंचिंग नहीं, एक आपराधिक घटना हुई थी है, और उस आपराधिक घटना में एक हमारा मुस्लिम भाई था, उसको कुछ लोग मार रहे थे, कुछ जैसी राम की नारी लगवा रहे थे, कुछ ऐसी थी बात, उनको पकड़ लिया है जो जो उसमें शामिल थे, और जो जिन जिन्हें गलत काम किए उनको पुलिस पकड़ेगी, सीधी सी बात है, और डालेगी जेल में, बात ख़त्म। हिंदुस्तान के अंदर की बात है, हम संभाल लेंगे, ठीक है ना। मुस्लिम है यहाँ पे और हिंदू भी हैं, लेकिन जो जाट के कुछ बाल होते हैं, जो विदेशों में, जो देश के बाहर रहते हैं, जिनकी जो जो जिन जिनकी जो माँ बहनें हैं वो तड़पती रहती हैं कि हमें कोई हिंदू काम करे, हमें कोई काम करे हमारा हिंदू, तो इसकी माँ बहन तड़प रही है इसकी। खैर, माँ तो उसने कही थी नहीं है, उसके बारे में बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करें, इसकी औकात जी है कि बुलवाता है, ठीक है। इसकी बहन तड़प रही है कि आओ हिंदुओं, मेरा काम करो, करने आ रहे हैं बेटा, चिंता मत कर। और बताना चाहूँगा, इसने वीडियो बनाई तीन चार, उसने जब वीडियो बनाई तो उसमें क्या ही कि ये हो गया, वो हो गया, और फलाना ढकाना ढिमका, एक हमारे भाई की फ़ोटो लगा दी कि इसको जो मारेगा उसे वो दूंगा वो दूंगा, अरे सुअर की झाड़, तू खुद क्यों नहीं आ रहा है, लंड के बच्चे, तू एक बात बता, तू दूसरों से कह रहा है कि तेरी यहाँ पे तेरी जो पैदाइश पनप रही है, जो तेरी गटर की पैदाइश है, वो यहाँ पे जो दो चार पनप रही है, मुझे दिखते हैं इसकी वीडियो पे कमेंट करने वाले, नीचे बोलते हैं वाह सर वाह, आई लव यू, आई एम फ्रॉम इंडिया, वाह सर बहुत बढ़िया, बहुत सर बहुत बढ़िया जवाब दिया है, आई एम फ्रॉम इंडिया। मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो इंडिया से हैं तो जिस प्रकार से उनकी माँ ने उनको पैदा किया है, वो अपनी माँ को क्यों नहीं मारते हैं? क्योंकि जिस थाली में खाते हैं उसी में वो छेद करते हैं, ऐसे उनकी माँ ने जो पैदा किया है उनको, तुम्हारी गांड में दम है तो अपनी माँ माँ और बाप को मारो ना, क्योंकि उनने ही पैदा किया है तुमको, ठीक है ना। बाप के तुम स्पर्म से पैदा हुए हो, और माँ के पेट से पैदा हुए हो, ठीक है ना। तुम उनको मारो जाके, जब हम तुम्हें माने कि हाँ असली तुम गद्दार की औलाद हो, ठीक है ना। अभी तुम देश के गद्दार हो, इस थाली में खाते हो उसी में पेशाब करना, ये तुम्हारी जो आदत है, जो कुछ लोग हैं यहाँ पे गद्दारी, जो इसकी बातों में बोलते हैं कि हाँ भाई बहुत बढ़िया है, हम ये कर देंगे, तो बहन के लौड़ो तुम उसे, मैंने पहले भी कही है कि जयपुर के मानसरोवर में मैं रहता हूँ, तुम आओ बताओ मुझे, तो सुअर की औलाद हो तुम आते क्यों नहीं हो, हुँ? तुम गिरी हुई झाट की बाल हो, तुम चिलगुआ की पैदाइश, तुम साले सामने तो आओ ना कि कौन है इसके साथी जो हिंदुस्तान में रह रहा है, मादर चो तो तुम्हारी गांड में तो आओ सामने। दूसरी चीज़, अब इस पे आते हैं भाई साहब, ये बोल रहा है कि वीडियो है, मतलब वीडियो ऐसी है वो है, और ये कर दिया है हमारे साथ, वो कर दिया है, और मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, तो सुअर की औलाद 21% हिंदू थे, आज 1% पाकिस्तान में क्यों रह गए हैं बताओ? 21% हिंदू से पाकिस्तान में मात्र 1% हिंदू रह गए हैं, तू ये बता ना क्यों? सब लोग हिंदू यहाँ पे आ रहे हैं, तेरी मीडिया बोल रही है हिंदू सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्या हो रहा है देश में है, तेरे सब सारे चैनल से बोल रहे हैं सुअर के बच्चे, तू तू क्यों नहीं बोलता है? तू जो यहाँ की बातें करता है, और इसने भाई पहले वीडियो बनाई, इसने पहले कही थी कि मुझे इंडिया का वीज़ा नहीं मिल रहा है, भाई हर रोज़ ट्रेन आती हैं, जम्मू कश्मीर की बसें आती हैं, मतलब जम्मू से जो कश्मीर से पाकिस्तान का रास्ता है, कुछ बसें आती हैं, ट्रेन से आती है, समझौते एक्सप्रेस से हजारों लोग आते हैं, यहाँ से खाली भी जाती हैं, वहाँ से भरी आती हैं, और खूब आती जाती हैं, लेकिन ये नहीं आ रहा है, क्योंकि ये यूँ कह रहा है कि मुझे वीजा नहीं मिल रहा है, तू वहाँ का डॉन है तो मतलब तुझसे जो इंडिया का जो राजदूत है वो वहाँ पे पाकिस्तान में वो डरे हुए हैं तुझसे, हैं कांप रहे हैं, अरे भैया ये तो पाकिस्तान का डॉन है, ये आ जाएगा तो इंडिया में क्या कर देगा क्या? तू झाट के बाल, तू चूतिया बनाने की मशीन, तू सिर्फ दुनिया को चूतिया बना सकता है, और जो चूतिया की औलादें हैं वो उसकी बातों में आएंगे, ठीक है ना। मैं तेरे को यही जवाब देना चाहता हूँ, तू अपने काम से काम रख, खैर तेरी औकात नहीं है, तू जब तक पिटता नहीं है जब तक तू मानेगा नहीं, ठीक है ना, तेरा भी नंबर आएगा बेटा, बहुत जल्दी तेरा नंबर आएगा, बहुत जल्दी तेरा अस्तित्व मिटेगा इस धरती से, चिंता मत कर तू, बहुत जल्दी हम तुझा जो अस्तित्व है वो ख़त्म कर देंगे।
तू झाट की पैदाइश, तू सुगर की औलाद, तू नमक हराम, तू गटर के बच्चे, तू साले मादर चोत गड़मरी कौन के झाट के हैं जो तू सुगरों की तरह, तू इंडिया में क्यों नहीं आ रहा है, मई से क्यों भौंक रहा है, मुझे ये कर दिया है, हमारे बहुत कर दिया है, ए पागल के बच्चे तू इंडिया में क्यों नहीं आ रहा है? अरे इंडिया में नहीं है, और ये लोग सऊदी अरब ही बुलाते हैं, ये लोग बुलाते हैं दुबई बुलाते हैं, ये लोग बुलाते हैं कोई इस्लामिक कंट्री है, मादर चोदो, तुम जो वो है ना जो अरब के देश इस्लामिक देश, तुम उनकी पेशाब पीने वाले और टट्टी खाने वाले कुत्ते हो। सिर्फ एक ही मुल्क है पाकिस्तान दुनिया में, यानी 53-54 मुल्क हैं इस्लामिक, उन सब की टट्टी खाने वाला पेशाब पीने वाला बस एक ही मुल्क बना है इस्लामिक, वो है पाकिस्तान, ठीक है ना। तुम सबकी टट्टी चाटने वाले हो, इसलिए तुम उन हम सबको बुलाते हो कि भाई बांग्लादेश आ जा, वो आ जा, जे आ जा, तू झांट के बाल, तूने कभी कही है लंदन आ जा, तूने कभी कही है नेपाल आ जा, है है मतलब वो ही तुम्हारी आ जा वहाँ पे, आ जा यहाँ पे, आ जा, तुम हराम जादो, तुम हराम ही हो, है तुम्हें काम धाम का तो खैर, हाँ मेरे को कैसे पता, मेरे को पता होना चाहिए कि तो भिखारी हैं काम धाम के, इनके पास तो नाम ही नहीं। तो भाई यही वीडियो थी, और मैं चलता हूँ, आगे वीडियो देखता हूँ क्या बनती है।